तो फ्रेंड्स, जैसे कि डोजी S61 के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं डाल दूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आज हम उसके बारे में नहीं, उसके बड़े भाई के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हम बात करने वाले हैं डोजी S61 प्रो उसके बारे में। तो शुरू करते हैं उसकी स्पेक्स के साथ और बात करेंगे सबसे पहले उसके डिस्प्ले के बारे में। तो फ्रेंड, अगर बात करें इस डिस्प्ले के बारे में, इसमें आपको मिल जाएगी 1440x720 पिक्सल्स की रिजोल्यूशन। बात करें इसकी ग्लास के बारे में, इसमें प्रोटेक्शन मिलेगी गोरिल्ला ग्लास की। टेक्नोलॉजी इसमें आपको IPS LED की मिल जाएगी। स्क्रीन साइज की बात करें, 6 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी। बात करें इसकी बॉडी टाइप के बारे में, प्लास्टिक और रबड़ का होने वाला है, वाटरप्रूफ तो बिल्कुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, डोजी का ये एक और ऐसा फोन है जो कि वाटरप्रूफ होने वाला है, कंप्लीटली डस्ट प्रूफ भी होने वाला है। चलते आगे, बात करते हैं इसके कैमरा, ऐसे नहीं कैमरा के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके रियर कैमरा के बारे में, इसमें आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, 20 मेगापिक्सल का इसकी वीडियो रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगी 1080x30 फ्रेम्स पर सेकंड की। और बात करें फ्लैश के बारे में, इसमें आपको डुअल LED की फ्लैश मिल जाएगी। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलने वाला है जिसकी वीडियो रिजोल्यूशन आपको मिलेगी 1080x30 फ्रेम्स पर सेकंड। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कैमरा क्वालिटी के बारे में, एवरेज क्वालिटी होने वाली है इसकी वीडियो की, इसकी इमेज की, जो भी आप कैप्चर करोगे, चाहे वीडियो बना रहे हो चाहे आप फोटो शूट कर रहे हो तो भी। तो रात के टाइम पे आपको डेफिनेटली फ्लैश की जरूरत पड़ेगी। चलता है बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। जब भी परफॉर्मेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, शुरुआत यहीं से होती है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा MediaTek Helio G35 का। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको मिलेगा Android 12। GPU की बात करें, पावर BRGE8320 मिलने वाला है इसमें आपको। फैब्रिकेशन की बात करें, 12 nm की आपको मिलेगी। NVIDIA बेंचमार्क इसको मिला 1,32,185 का। मेमोरी की बात करें, इसमें स्टोरेज आपको मिल जाएगी 128 GB। कार्ड स्टोरेज इसमें आपको मिलेगा जरूर, जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 2 TB का। रैम की बात करें, 6 GB का रैम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, डोजी ने बहुत कोशिश की है कि ये फोन को वो गेमर्स के लिए बना दे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। रैम भी इसका अच्छा है, इसका जो प्रोसेसर है वो भी अच्छा है। इवेंचुअली वही घुमा फिरा के एक ही बात में मैं भी पक चुका हूँ, बोल बोल के यार, ग्राफिक्स को आप थोड़ा सा लो कर दोगे सेटिंग में जाकर, तब जाके आप ऐसी गेम खेल सकते हो यार। लेकिन जेंशन इम्पैक्ट जैसी गेम की बात करूंगा तो वो आप बिल्कुल भी प्ले नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। चलते आगे, बात करते हैं इसकी ऑटोनॉमी यानी इसकी बैटरी के बारे में। फ्रेंड्स, बात करें इसकी बैटरी के बारे में, इसमें आपको मिलेगी 5180mAh की बैटरी। और बात करें फास्ट चार्जिंग बिल्कुल मिलेगी आपको, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलने वाली। डैमेज नहीं करते हैं यार। चलते हैं आगे, बात करते हैं इसके साउंड के बारे में, इसके नेटवर्क के बारे में, क्या ये 5G होगा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें साउंड के बारे में, इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। बात करें नेटवर्क के बारे में, ये फोन 4G होने वाला है। सिम की बात करें, इसमें आपको डुअल नैनो सिम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये 4G फोन होने वाला है, 5G नहीं होने वाला। सिम कार्ड की बात करें, इसमें आपको डुअल नैनो सिम का ऑप्शन मिल रहा है यार। चलता के बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, इसके सेंसर के बारे में। इसमें आपको क्या लगता है यार, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा? फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी की बात करें, इसमें आपको वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, NFC मिल जाएगा। पोर्ट की बात करें, USB Type-C का पोर्ट मिल जाएगा। सेंसर की बात करें, फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको बिल्कुल मिलेगा। लाइट सेंसर मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी मिल जाएगा, गायरोस्कोप मिल जाएगा, एक्सेलेरोमीटर भी मिल जाएगा, कंपास भी मिल जाएगा। तो खत्म करेंगे अपना वीडियो, पहले बात कर लेंगे इसके लॉन्च डेट के बारे में, इसके प्राइस के बारे में। और बात करूं प्राइस के बारे में, तो फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई अपडेट नहीं है यार, कुछ भी रिवील नहीं हुआ, कोई लीक नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर बात करूं इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो डेफिनेटली ये जुलाई 2022 में लॉन्च हो जाएगा, हम लोग परचेज कर पाएंगे इसको जुलाई 2022 में। और रही बात इसके कंक्लूजन की, तो मैंने आपको बता दिया कैमरा भी इसका अच्छा होने वाला, गेम के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ यार। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।